भारतीय रिजर्व बैंक ने की मध्य तिमाही मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की बढ़ोतरी। रेपो रेट बढ़कर 7.75% हुआ। MSF 0.25% घटकर 8.75% हुआ। CRR में कोई बढ़ोतरी नहीं। जाने माने साहित्यकार राजेंद्र यादव का दिल्ली में बीती रात दिल का दौरा पड़ने से निधन। हंस पत्रिका के संपादक रहे राजेंद्र यादव प्रसार भारती बोर्ड के मनोनीत सदस्य भी रहे थे। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहा संघर्ष विराम का उल्लंघन बेहद अफसोस की बात है, लेकिन दोनों मुल्कों को शांति कायम रखने की कोशिशों को नहीं थमने देना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के चलते प्रस्तावित DGMO की बैठक को टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल NDMA के साथ बैठक की। डॉक्टर सिंह ने त्रासदी से पहले की तैयारियों पर जोर दिया और NDMA से पुनर्वास की प्रक्रिया को सशक्त और सुदृढ़ बनाने को कहा। इम्फाल के मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज एक शक्तिशाली बम विस्फोट में 5 लोग घायल हो गए। ये बम धमाका मुख्यमंत्री ओकराम मेबोबी सिंह के निवास स्थान से 1 किलोमीटर दूर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 बजे हुआ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सुरक्षा बल का जवान शहीद, 2 महिला नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक पुलिस जवान के घायल होने की भी खबरें। गृह सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय दल आज पटना के दौरे पर। बम धमाकों के सिलसिले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार और 7 लोग हिरासत में। विस्फोटों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने की आशंका। भारत और पेरू के बीच 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, संयुक्त आयोग की स्थापना, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में हुआ समझौता। आयातकों की डॉलर मांग के मद्देनजर अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 16 पैसे लुढ़ककर 61.68 रुपए के स्तर पर खुला। रुपया कल के कारोबार में 6 पैसे घटकर 61.52 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। बॉम्बे शेयर बाजार में सेंसेक्स की गिरावट का सिलसिला आज लगातार 6ठे दिन भी जारी रहा और सेंसेक्स शुरुआत में 39 अंक नीचे गिरकर 20,532 पर खुला। निफ्टी भी 8 अंक गिरकर 6,093 पर खुला। उत्तर पश्चिम यूरोप में आए भारी तूफान से कम 13 लोगों की मौत, इनमें से 6 की मौत जर्मनी में और 4 लोगों की मौत दक्षिणी ब्रिटेन में हुई। हीथ्रो हवाई अड्डे पर 130 उड़ानों को रद्द किया गया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ट्रेन सेवा भी बाधित।